हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 317 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 14,265, देन 3.17 मल्टीप्लाई 4.5 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर देखिए नंबर्स दोनों भी सेम है, यहाँ पर 317 यहाँ पर 3.17 और मल्टीप्लाई 45 यहाँ पर मल्टीप्लाई 4.5, तो इसका आंसर भी ऐसा ही आएगा। लेकिन इस आंसर के आने के बाद आंसर ऐसा ही आएगा, यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट देना होता है, तो यहाँ पर पॉइंट के आगे यहाँ पर दो नंबर है 1, 2 और यहाँ पर पॉइंट के आगे 1 नंबर है, तो कुल मिलाकर हुए 3 नंबर 1, 2 और 3। तो हमें आंसर यही हमें यहाँ पर लिखना है और आंसर में हमें यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट देना है। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 2, इफ 503 मल्टीप्लाई 217 इज इक्वल टू 1,09,151, देन 5.03 मल्टीप्लाई 2.70, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है, आंसर भी वही आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमें कैसे देने हैं, यहाँ पर पॉइंट के आगे टू नंबर है 0 और 3, यहाँ पर टू नंबर्स हुए और यहाँ पर टू नंबर्स हुए, तो आंसर जो है वही आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे और 1, 2, 3, 4 नंबर छोड़ के हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे, ठीक है, समझ में आया। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई। अभी देखिए डेसिमल पॉइंट्स के हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने हैं, 2.7 मल्टीप्लाई 1.4, तो आंसर कितना आएगा, देखिए 2.7 मल्टीप्लाई 1.4, इसके हमें जैसे हम रेगुलरली मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करने हैं और आंसर के आने के बाद हम उसे डेसिमल पॉइंट देंगे। तो किस तरह से देंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 7 20 8, यहाँ पर 8 यहाँ पर 2 कैरी किया, 4 2 8 8 प्लस 2 यहाँ पर हुए 10, यहाँ पर हमने 0 लिखा, फिर 1 7 7 1 2 2 इसका एडिशन किया, यहाँ पर 8 यहाँ पर 7 और 2 प्लस 1 3। अभी देखिए यहाँ पर पॉइंट के आगे यहाँ पर एक नंबर है, इस पॉइंट के आगे एक नंबर है, कुल मिलाकर हुए दो नंबर 1 और 2, तो आंसर में हम यहाँ पर लास्ट से 1 और 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे, तो हमारा आंसर आता है 3.78 जो हमने यहाँ पर लिखा है 3.78, ठीक है। सेकेंड है 6.70 मल्टीप्लाई 3.9 इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 6.70, इसका पॉइंट हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के पॉइंट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 39, पहले हम 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 7 63, यहाँ पर हमने 3 लिखा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 1 9, 9 प्लस 6 हुए 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 कैरी किया, फिर 9 6 54 यहाँ पर हुए 55, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर 0 लिखा, 3 7 21, यहाँ पर हमने 1 लिखा और यहाँ पर 2 कैरी किया, ठीक है, 3 1 3, 3 प्लस 2 हुए हमारे 5 और 3 6 18, ठीक है, फिर एडिशन कर लेते हैं हम, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 5 यहाँ पर 10 हुए, यहाँ पर 1 कैरी किया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 हुए हमारे 14, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 2। अभी देखिए डेसिमल पॉइंट में हम किस तरह से नंबर देंगे, यहाँ पर 6.17 है, 6.17 यहाँ पर पॉइंट के आगे दो नंबर है और यहाँ पर 3.9 है, पॉइंट के आगे एक नंबर है, मतलब कितने नंबर हुए, 1 2 3, तो आंसर में हम यहाँ पर 3 पॉइंट छोड़ के पॉइंट देंगे, 3 नंबर छोड़ के, हम यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर हमने यहाँ पर छोड़े और यहाँ पर हमने पॉइंट दिया, तो हमारा आंसर आता है 24.063, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन है इसी तरह से हम करेंगे, 0.57 मल्टीप्लाई 2, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, 1 कैरी किया, 2 5 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी किया और 1 हम 200 और 1 वैसे के वैसे आया, यहाँ पर 0.57 है, यहाँ पर पॉइंट के आगे सिर्फ 2 ही नंबर है, तो आंसर में हम 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5.04 मल्टीप्लाई 0.7,
तो 5.04 मल्टीप्लाई 0.7 हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 4 28, यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 2, 700 और 2 वैसे के वैसे आए, 7 5 35, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा, 0 से हमने 0 4 0, 0 0 0 और 0 5 0, इसके एडिशन की तो हमारा आंसर आता है 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। अभी पॉइंट कैसे देंगे, यहाँ पर पॉइंट के आगे दो नंबर है 0 और 4, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पॉइंट के आगे एक नंबर है 3, 1 2 3 3 नंबर हुए, तो हम आंसर में 1 2 3 3 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, ईच बैग वेटिंग 5.250 किलोग्राम, हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, इफ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज पर केजी, हाउ मच डिड ही पे फॉर इट। इसमें क्या बताया गया है कि वीरेंद्र ने क्या किया, वीरेंद्र बॉट 18 बैग राइस, वीरेंद्र ने 18 बैग राइस खरीदे है, ईच बैग वेट, उसकी हर एक बैग का, ईच मतलब एक बैग का वेट है 5.250 kg, हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, उसने कितना राइस खरीद किया, कितना राइस खरीदा उसने, इफ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज, राइस की कॉस्ट कितनी है 42 रुपीज है, 1 kg की कॉस्ट आती है 42 रुपीज पर केजी, हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, तो जो उसने राइस खरीदा है उसके लिए उसने कितना पैसा दिया, कितने मनी दिए, तो हम आंसर में लिखेंगे वेट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इज 5.250 kg, देयरफॉर वेट ऑफ 18 बैग ऑफ राइस 5.250 × 18, ठीक है। एक बैग की कीमत कितनी है 5.2 एक बैग का वेट कितना है 5.250 kg, तो 18 बैग का हमें वेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5.250 × 18, ठीक है। तो 5.250 × 18 करने के बाद हमारा आंसर आता है 94.500। कैसे किया हमने, 800, 8 5 40, यहाँ पर 4 कैरी किया, 8 2 16, 16 + 4 20, यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से आगे के भी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, या 2 कैरी रह गया था हमारा, हमने 2 कैरी किया है, यहाँ पर 42 आए, फिर यहाँ पर 0 लिखा, 100, 1 5 5, 1 2 2 और 1 5 5, फिर एडिशन की तो यहाँ पर आता है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 + 2 = 4, यहाँ पर 5 + 4 = 9, तो 94.500। हमने यहाँ पर पॉइंट कैसे दिए, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के आगे 3 नंबर है 1 2 3, तो आंसर में हम यहाँ पर 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे 1 2 3, ठीक है, 94.500। दिस कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस 42 रुपीज, 1 kg राइस की कीमत कितनी है 42 रुपीज है, द कॉस्ट ऑफ 94.5 kg राइस इज इक्वल टू, हमारी कॉस्ट कितनी आई 18, हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर कितना आया, देखिए 94.5 आए हमारे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 94.5 kg राइस इज इक्वल टू 94.5 × 42, समझ में। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 94.5 × 42, 2 5 10, 1 कैरी किया, 2 4 8, 8 + 1 9, 2 9 18, ठीक है, यहाँ पर 0, 4 5 20, 2 कैरी किए, 4 4 18, 18 + 2, 4 4 16, 16 + 2 = 18, यहाँ पर 8 लिखा, 1 कैरी किया, 4 9 36, 36 + 1 = 37, एडिशन किया तो यहाँ आता है 0, यहाँ पर 9, 8 + 8 = 16, 1 कैरी किया, 1 + 1 = 2, 2 + 7 = 9 और यहाँ पर 3, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट सिर्फ कितना है, देखिए पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम आंसर में यहाँ पर एक नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 3969.0। तो हमने यहाँ पर वीरेंद्र ने जो 42 रुपीज वन केजी राइस के लिए जो पैसा दिया था उसने
वीरेंद्र ने 1 kg राइस के लिए 42 रुपीज दिए थे और उसने कितना कितने बैग राइस लिए थे, 18 बैग, तो इसके लिए उसने कितना कितने रुपीज दिए, 3969। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेदिका हैज 23.50 meters ऑफ क्लॉथ, शी यूज इट टू मेक 5 curtains ऑफ इक्वल साइज, इफ ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 meters 25 centimeters टू मेक, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट टू हर। वेदिका ने क्या किया कि 23.50 meters उसने क्लॉथ खरीद किया, ठीक है, शी यूज इट मेक यूज 5 curtains, उसने उस कपड़े में से उस क्लॉथ में से 5 curtain उसने तैयार किए। उस कर्टन की साइज कितनी है, 5 inch, तो 5 curtain उसने तैयार किए तो सेम साइज के सब हुए। इफ ईच कर्टन रिक्वायर्ड 4 meters 25 centimeters, एक कर्टन के लिए उसको 4 meters 25 centimeters क्लॉथ लगा, तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, तो उसे पूरे सभी कर्टन बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा और कितना कपड़ा उसका बचा, मतलब कितना क्लॉथ बचा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 4.25 meters फॉर 1 curtains, 4.25 meters फॉर 1 curtains मल्टीप्लाई 5 curtains, एक कर्टन के लिए उसने कितना क्लॉथ यूज किया, 4 meters 25 centimeters, तो 4.25 मल्टीप्लाई 5 हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आता है 21.25 meters फॉर 5 curtains, उसने इतना क्लॉथ यहाँ पर यूज किया, सेम साइज के उसने 5 curtains बनाए, तो उसके पास कितना क्लॉथ यहाँ पर रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेदिका ने कितना क्लॉथ खरीद किया था, 23.50 माइनस हमारा आंसर अभी कितना आया 21.25, हम यहाँ पर माइनस करेंगे, मतलब 23.50 meters वेदिका है और 21.25 meters यूज फॉर 5 curtains, तो इसका लेफ्ट ओवर कितना रहा, यहाँ पर 0 में से 5 जाते हैं क्या, नहीं, तो हम यहाँ पर 10 करेंगे, 10 में से 5 गए, यहाँ पर 5 आए, देखिए यहाँ पर 5 से हमने 1 यहाँ पर लिया था, यहाँ पर आए 4, 4 में से 2 गए, यहाँ पर आए 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आता है 2.25 meters लेफ्ट। ठीक है, क्लॉथ लेफ्ट विथ वेदिका इज इक्वल टू 2.25 meters। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस 7-16 जो है वो यहाँ पर सॉल्व किया है। तो बच्चों कैसे लगा ये वीडियो, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।